इस देश के अंदर ओबामा मूवमेंट किस तरीके से आ पाएगा उसके बारे में बताएं। देखिए अमेरिका में और बहुत सारे अफ्रीकी देशों के अंदर जी रंग भेद की एक जबरदस्त नीति रही है जी। और उस रंग भेद में जो ब्लैक पॉपुलेशन है उसको बहुत ज़्यादा उसका अत्याचार हुआ, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ, लेकिन अमेरिका ने अपने आप को सुधारा और अमेरिका में सिर्फ 10% ब्लैक्स हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पे ब्लैक प्रेसिडेंट जो ओबामा साहब रहे हैं उनको प्रेसिडेंट बनाया। पूरे दुनिया ने अमेरिका की इस बदलती हुई नीति का स्वागत किया, क्योंकि वाइट कंट्री के अंदर अगर मतलब 90% उनकी पॉपुलेशन है, वहाँ पे अगर 10% वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। भारत के अंदर भी बहुजन समाज बहुत लंबे समय से ये देख रहा है कि राजनीति पर कुछ जाति विशेष के लोगों का कब्जा रहा है जी, और अब लोकतंत्र स्थापित होने के बावजूद भी उनके पास संसाधन ना होने की वजह से, उनके पास मीडिया ना होने की वजह से और दूसरे कमियों की वजह से उनमें से कोई व्यक्ति अपनी ताकत से वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस चुनाव ने ये एक संभावना व्यक्त की है कि हो सकता है कि इस बार मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बने। अगर मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो भारत का ओबामा मूवमेंट होगा। मूवमेंट का मतलब ये कि वो ऐसा एक लोकप्रिय क्षण होगा जब देश के दबे कुचले लोग, बहुजन समाज के लोग अपने में से किसी व्यक्ति को देश के सर्वोच्च शासन पे देखेंगे। ये उनके लिए गौरव का विषय होगा, ये उनके लिए अपने आंदोलन की सफलता को मापने का एक महत्वपूर्ण जरिया हो सकता है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक आंदोलन को सफल तब माना जाएगा जब वो उच्चतम शिखर पर पहुंच सके। मैं कचैलाय साहब की ही बात यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि बहुजन राजनीतिक आंदोलन की सफलता इस बात में है कि बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बने। मुझे लगता है कि बहुजन समाज की आकांक्षाएं पूरी अगर होती हैं, वो इस देश की प्रधानमंत्री बनती हैं, तो भारत में भी ओबामा मूवमेंट को सेलिब्रेट करने का अवसर हम सबको मिलेगा। आप थे हमारे साथ प्रोफेसर राजकुमार जी, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारी डिस्कशन कैसी लगी? अगर आप भी चाहते हैं कुछ हमारे चीज़ें रह गई हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमारे मोबाइल नंबर आप लोगों के पास होता है आप उसमें भी लिख सकते हैं। आप हमें आगामी चीज़ों पर, हम लोग किस चीज़ों पर डिस्कस करें उनके बारे में भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं, और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि बहुजन समाज की आवाज़ हो सके बहुत ज़्यादा मजबूत।